इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर की एक हिडन ट्रिक, यानी कि एडवांस फिल्टर में एक हिडन ट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। और हाँ, एडवांस फिल्टर का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे एडवांस फिल्टर को समझने के लिए। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर आज हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर की कुछ हिडन ट्रिक, तो चलते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जैसे एडवांस फिल्टर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी यूज़ किया जाएगा ट्रिक का। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडवांस फिल्टर किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे। तो मेरे पास में यहाँ पर कंपनी कोड है, कुछ नाम है कंपनी के, उनके स्टेट्स हैं, डेट है उनकी ट्रांजेक्शन की, और प्रोडक्ट है, क्वान्टिटी रेट और अमाउंट यहाँ पर कुछ मेरे पास में अमाउंट्स यहाँ पर है। मेरा फिल्टर है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए वुमेंस के, ठीक है, और क्वांटिटी है अबो 30, ठीक है, या इक्वल 30 की जो भी यहाँ पर होगी क्वांटिटी वो वहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट करेंगे, हमें लोकेशन चाहिए, यहाँ पर चाहिए लोकेशन में, ठीक है, यानी कि जो फिल्टर लगा हुआ डेटा हो वो यहाँ पर हमारे पास में आए। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर डेटा मेन्यू के अंदर, डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे यहाँ पर एडवांस में, ठीक है, एडवांस फिल्टर में हम यहाँ पर जाएंगे, और एडवांस में जाएंगे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे आता है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज मतलब आपका मेन डेटा कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन डेटा है वो यहाँ पर है, तो आप इसको विद हेडर यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका डेटा होगा। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट के अंदर जो वुमेन है उसको फाउंड करना, और क्वान्टिटी क्या करनी है इक्वल और अब वो 30। तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके विद हिडर यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लोगे आप, ओके। तो हमारे पास में लिस्ट रेंज हो गई और हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब चाहिए हमें कॉपी टू, यानी ये जो हमारे फिल्टर लगाया है वो कहाँ पर हमारा रिजल्ट आए, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास में जो है रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे पास में रिजल्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। जो जो कंपनी आप मतलब जिस जिस में वुमेन प्रोडक्ट है, हमारे सारे वुमेन्स के प्रोडक्ट है यहाँ पर 8, ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी अबो 30 है वो यहाँ पर मेरे पास में आ गए फिल्टर लग के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फीचर्स जो कि हम एडवांस फिल्टर यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर। तो आप सोचेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कुछ नया है नहीं है, तो दोस्तों आज को ट्रिक बताएंगे हम आपको वो एडवांस फिल्टर की कौन सी हिडन ट्रिक है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास में ये डेटा आ गया है, ठीक है, ये मेरे पास में डेटा यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सपोज करो मुझे सिर्फ यहाँ पर एक तो कंपनी नेम, ठीक है, और एक उसकी डेट, और मुझे यहाँ पर उसका अमाउंट, सिर्फ मुझे ये तीन चीज यहाँ पर चाहिए, ठीक है, फिल्टर लगाएंगे तब। तो मुझे तीन चीज़ यहाँ पर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए, मैं वही एडवांस फिल्टर का यूज़ करूँगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले एडवांस फिल्टर का यूज़ करने के लिए। तो हम जाएंगे एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद में कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सबको क्लियर कर देंगे एक बार, और लिस्ट रेंज को भी, जो हमारी लिस्ट रेंज होगी वो मेन डेटा रहेगा, ठीक है। तो वैसे विद हिडर यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, तो हमारा वही क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर रहेगा, जो भी हमारा क्राइटेरिया रहेगा, जैसे हमारा प्रोडक्ट था वुमेन और क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज, सेम रहेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक बार मैं क्राइटेरिया रेंज में यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ,
ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब मुझे क्या करना होगा, वापस जाऊंगा मैं एडवांस फिल्टर में और यहाँ पर जाऊंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, लिस्ट रेंज यानी मेन डेटा, मेन डेटा मेरा ये आ जाएगा। ओके, फिर मेरा आएगा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, तो मेरा क्राइटेरिया वही रहेगा, यहाँ पर मैंने आपकी बार 40 कर दिया है, ठीक है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पर जो ट्रिक है वो यहाँ पर होती है दोस्तों। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो मुझे क्या करना होगा, जो मुझे डेटा चाहिए, जिस चीज़ का डेटा फिल्टर लगाना है मुझे, तो उसको मैं यहाँ पर उसको कॉपी कर लूँगा। मुझे इस डेट इस चीज़ का फिल्टर चाहिए, यानी कंपनी नेम, डेट और उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाए, वो मुझे फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिल्टर यहाँ पर ओके प्रेस कर दूंगा। अब आपको दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर जो मेरे पास में डेटा आया है वो आया यहाँ पर सिर्फ वुमेन का, ठीक है। जो हमने यहाँ पर डेटा लगाया था फिल्टर, वो प्रोडक्ट होगा वुमेन और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 40 इक्वल या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर, तो जहाँ जहाँ पे हमारे 40 से ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे 1:35, एक ये नहीं है, एक ये नहीं है, यानी दो हमारी रेंज कम हो गई है और बाकी सारी रेंज यहाँ पर हमारे पास में आ गई, जिसमें कंपनी नेम आ गया है, उसकी डेट्स आ गई और उसका अमाउंट यहाँ पर आ गया है। तो आप चाहो तीन छः मैच कर सकते हो यहाँ पर, देखो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हिडन ट्रिक है यहाँ पर एडवांस की, वो यही है कि हम यहाँ पर जो डेटा हमें चाहिए वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए और इसको ट्राई करिए। इसकी प्रैक्टिस बुक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कीजिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, आपकी क्वेरी मैं रिजोल्व करूँगा। और आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके लाइक और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।